हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर हम एक चेसबोर्ड जैसा एचटीएमएल का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। और आप इसी प्रोग्राम को नोटपैड प्लस प्लस पर भी बना सकते हैं, आप नोटपैड पे भी यही कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ये एचटीएमएल का बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है। यहां लिखता हूं एचटीएमएल, ठीक है, फिर यहां पे हेड, देन यहां पे टाइटल, और टाइटल हम दे देंगे चेसबोर्ड, चूंकि हम बना रहे हैं चेसबोर्ड, सो दैट्स व्हाई यहां पे टाइटल में हम चेसबोर्ड ही दे देंगे, ठीक है, चेसबोर्ड, ओके। और यहां पर टाइटल को करेंगे क्लोज, और टाइटल को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, हेड को क्लोज कर देना है और बॉडी टैग ले लेना है। तो यहां पे बॉडी टैग मैं ले लेता हूं, बॉडी पे आप चाहे तो कोई कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने यहां पे फिलहाल कोई कलर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आपको लेना है टेबल टैग, ठीक है, तो नीचे टेबल टैग ले लेते हैं। सेल पैडिंग अगर आप देना चाहते हैं तो यहां पे मैं सेल स्पेसिंग दे देता हूं, ठीक है, 2 करता हूं इसको, ठीक है, और सेल पैडिंग 5 कर दूंगा। सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5, ओके, ये हो गया हमारा। अलाइन कर देता हूं इसको सेंटर में, तो यहां लिखता हूं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, CENTER, तो ये सेंटर में अलाइन भी हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद फिर नीचे आकर के यहां पर हम टेबल रो यानी TR टैग ले लेंगे, फिर TD टैग ले लेंगे। यहां हम शुरुआत करेंगे चेसबोर्ड बनाने की, तो सबसे पहले हम BG कलर दे देंगे यहां पे, यानी बैकग्राउंड कलर, और यहां पे मैं ब्लैक से स्टार्ट करता हूं, ब्लैक व्हाइट ऐसे करके हम चलेंगे, तो यहां ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। और हाइट इसकी दे देता हूं मैं हाइट, ठीक है, सिर्फ 100 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर फिर विथ दे देंगे, WIDTH विथ इज इक्वल टू, इसको भी रख देता हूं मैं 100, ओके। इतना करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए यहां से, ठीक है, और TD को भी कर दीजिए क्लोज। तो यहां पर TD को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसी के बगल में दूसरा कॉलम बने, तो इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां से, और इसी को मैं कर दूंगा नीचे पेस्ट, ठीक है। तो ये दूसरा कॉलम, फिर ये नीचे तीसरा कॉलम, फिर ये नीचे चौथा कॉलम, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे करके हम बना देंगे। तो यहां पे देख सकते हैं आप, हमको सिर्फ करना क्या है, यहां ब्लैक के जगह व्हाइट करना है, चलिए यहां व्हाइट करते हैं हम। ऐसा एक प्रोग्राम बहुत पहले मैंने बनाया था, और आप उस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं, और यहां ब्लैक के बाद व्हाइट, और फिर BLACK, यहां तो ब्लैक ही रहेगा, और यहां फिर व्हाइट कर देंगे, चूंकि चेसबोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। आप चाहे तो कलरफुल बॉक्स भी बना सकते हैं, ब्लैक और फिर यहां पे व्हाइट, ठीक है, यहां व्हाइट कर दिया, फिर यहां ब्लैक। अब यहां पर जब आएंगे तो TR को क्लोज करेंगे, ठीक है, TR को क्लोज करता। अभी देखिए यहां पर ब्लैक से स्टार्ट हुआ था, तो अभी हमें व्हाइट से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये वाला पूरा कोड हम यहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पेस्ट कर दिया हमने, अब बाकी का पूरा प्रोग्राम ज्यों का त्यों हमें लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें रखनी है हमें, 7 रो और 7 कॉलम रखने हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक कॉलम तो पहले ही हो चुका है, ठीक है, तो अभी हमने व्हाइट कलर लिया हुआ है, अब हमको ब्लैक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, यहां तक, ठीक है, और इसको कर दूंगा यहां पे पेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से ये हम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जब प्रोग्राम एंड होगा तो एक चेसबोर्ड बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इस पूरे प्रोग्राम को अब दोबारा से यहां से कॉपी करूंगा और इसको करूंगा यहां से पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेकेंड वाले प्रोग्राम को कॉपी करूंगा और फिर पेस्ट करूंगा, एक बार प्रोग्राम लिख लेता हूं, फिर दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे मान लीजिए हमें यहीं तक बनाना हो, ठीक है, छोटा ही अभी रखते हैं इसको, आउटपुट दिखा देता हूं आपको, आप खुद से बड़ा सा एक बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ही ईजी है ये। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे HTML को भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप इसी प्रोग्राम को नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप कोई अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर, यानी कि या तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए, अच्छा ये हो कि ड्रीम व्यूअर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करता हूँ चेस के नाम से, चेस
डॉट एस टी एम भी लिख सकते हैं, हम एस टी एम एल भी लिख सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करता हूं, एस टी एम लिखता हूं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने और आइए देखते हैं। चेस ये है, डबल क्लिक किया हमने, ये देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है और ये कितना सुंदर चेस बोर्ड बनकर के हमारे पास तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम इस चेस बोर्ड को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा काम और कर लेते हैं हम, यही चीज जो हमने कॉपी पेस्ट किया इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कॉपी करेंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां ब्लैक होगा सेकंड वाले रो में वहां व्हाइट होगा। ठीक है, वो प्लेसेस चेंज होंगे, तो एक बार आपने कर ली कोडिंग तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब ये हमने कर दिया, अभी इसको हम उठाएंगे फिर से। ठीक है, और इसको अब कॉपी करेंगे और यहां पर करेंगे पेस्ट। ओके, अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से आप कर लीजिए सेव और अब इसको दोबारा से हम रन करवाएंगे, देखेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम का हमारे नाम है चेस, तो चेस कहां गया, चेस ये रहा, यहां पर डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए ये प्रोग्राम जो है अब ये यहां तक बन करके तैयार है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस